अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अलराजी बैंक का अकाउंट नंबर है, यानी अलराजी अकाउंट होल्डर हैं और इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह अजीज। आज हम दिखाएंगे कैसे बिना बैंक जाते हुए अपना इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड करके वो एक्टिवेट करके अपना शहर में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरा मुल्कों में कैसे पैसा भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बहुत दोस्तों है, हालांकि हम लोगों का यूट्यूब चैनल में कमेंट नहीं किया लेकिन मुंह से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त लोग, पहचाने वाला दोस्त लोग, तो इसलिए आज का ये वीडियो उन सभी भाई और बहनों के लिए इंशाल्लाह अजीज। तो दोस्तों, पहले आपका अलराजी का अकाउंट जो आपने ऑनलाइन में बनाया था, और ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बोले तो फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप बिना अकाउंट में, बिना बात करते हुए ऑफिसर से अकाउंट का यानी बैंक का खुद बनाते हैं 2 मिनट में 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वीज़ा कार्ड जो अप्लाई करते हैं एटीएम से, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है और बहुत आसान तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हम लोग कर चुके हैं, आपको हम दिखाने के लिए ये वीडियो बनाते हैं कि आपको फ़ायदेमंद हो और हम लोग को सदका जारिया मिलते रहे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आपको ट्रांसफ़र में जाना है और एक चीज़ दिखाना है इधर, ये हम बैक करते हैं। पहले कैसे आता था, अभी ऐसे आता था ट्रांसफ़र, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो अब वहाँ से आइए, यहाँ से आइए, सेम एक ही चीज़ है। तो अभी अपडेट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग रिसेंट इसलिए बनाते हैं कि आप लोग को फ़ायदेमंद हो। तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफ़र में जाते हैं। ट्रांसफ़र में जाके इंटरनेशनल बेनिफिशियरी में जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक आप अकाउंट में भेजेंगे तो इसलिए ऐसे करेंगे, इंस्टेंट कैश ट्रांसफ़र, इंस्टेंट इंटरनेशनल ट्रांसफ़र टू बैंक, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, न्यू ट्रांसफ़र। तो आप अलराजी का अकाउंट है पहले से, या फिर अलराजी का जो इम्प्लॉई सैलरी का एटीएम होता है, या फिर वगैरह वगैरह अलराजी रिलेटेड जो अकाउंट नंबर आपने किसी का किसी भी दिन पिछले साल में या पिछले कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट है तो उसमें शो करेगा। आप अगर नया अकाउंट बनाएंगे तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे सभी फ्रेंड्स को इंशाल्लाह अजीज। तो आपको ऐड न्यू बेनिफिशियरी में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इंडिविजुअल में करना पड़ेगा क्लिक। उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अब जहाँ से आ रहे हैं उस कंट्री यहाँ पर सर्च करके भी आएगा और ऐसा स्क्रॉल डाउन करके भी आएगा, ठीक है ना दोस्तों। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह वगैरह इंशाल्लाह आप कर लेंगे। हम लोग इंडिया कर लिए हैं। आपको इंटर स्विप कोड यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा आपको बैंक नेम में करना है क्लिक। तो हम बैंक नेम में क्लिक करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेते हैं, आपका जो बैंक है वो आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा इंशाल्लाह अजीज सिलेक्टेड बैंक ब्रांच। हम लोग ढूंढेंगे नहीं, सर्चिंग कर लेंगे जल्दी करने के लिए, आप ढूंढ के निकाल लीजिए। तो नहीं आ रहे, हम क्या करेंगे, आप ढूंढ लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, आप भी ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों, ढूंढने फिर नहीं आता है, हम लोग क्या करेंगे अभी। ब्रांच ओवरसीज, ब्रांच कलकत्ता, तो देखिए दोस्तों, हमने ब्रांच कलकत्ता किया है, इसलिए कलकत्ता के अंदर इंशाल्लाह ब्रांचेस जितने हैं तकरीबन 50 बता रहा है यहाँ पे, तो जितने ब्रांचेस हैं मुमकिन इंशाल्लाह ये पूरा जाएगा। हम और एक बार चेक कर लेते हैं। वही आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कर लेना है, और आप कौन सा करेंसी में कन्वर्ट करेंगे वो भी कर लेना है आपको, इंडियन INR, इंडियन रुपी, ठीक है ना दोस्तों। हम इंडियन रुपी में कर लिए हैं, आप भी देख रहे हैं।
सर्विस टाइप सिलेक्टेड सर्विस टाइप, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे डायरेक्ट होरिजन अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट में क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका मोबाइल में डिस्प्ले में खुल के आएगा स्क्रीन में। तो आप बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम कर लेंगे और पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे फुल नेम। उसके बाद बेनिफिशियरी क्या बता रहे, बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम मस्ट नॉट कॉम्प्राइज ऑफ बैंक स्पेसेस, स्पेस देने को मना कर रहा है, तो हम लोग कट कर लेंगे। इस्लाम आप बता रहे बेनिफिशियरी फैमिली नेम, यानी जो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी जिस अकाउंट को आप यहाँ पे ऐड करेंगे बेनिफिशियरी, उस नेम अगर मतलब मान लीजिए ये फिरोज इस्लाम है, हमारा दोस्त ने प्रोवाइड किया नाम, अल्हम्दुलिल्लाह उसको शुक्र गुजार हैं, उसको जन्नत की जज़ाए खैर दे आमीन, बला मुसीबतों से दूर करे, तो इसका आप फादर का नाम लिखना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई लेडीज़ का नाम हो तो उसका, अगर अनमैरिड है तो उसका फादर का नाम चाहिए, अगर मैरिड है तो उसका हस्बैंड का नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड्स है उसका फादर का नाम लिखेंगे हम, यस वो सन ऑफ हम लोग कर लिए हैं, वो भी स्पेस देने को मना कर रहा है यहाँ पे, तो हम कट लिए हैं। बेनिफिशियरी नेशनलिटी कहाँ से बिलोंग करता है अकाउंट, ये होल्डर का नेम, वहाँ पर आप सर्च करके या फिर घुमा के कर लेंगे इंडिया, ठीक है ना दोस्तों, इंडियन। हमारा वीडियो शायद बड़ा हो रहा है इसलिए सॉरी, लेकिन आपके फ़ायदेमंद के लिए हम लोग फुल डिटेल्स दिखा रहे हैं। स्ट्रीट नेम, आप जो भी आपका स्ट्रीट नेम है आप लिख लेंगे, ओके दोस्तों। उसके बाद स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम मस्ट ओनली बी अल्फाबेटिक, यहाँ पे बता रहा है। स्ट्रीट नेम जो भी हो आपका आप कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रीट नेम नहीं है तो 0 कर लेंगे, और आपका जो बेनिफिशियरी पोस्ट बॉक्स नंबर वो आप कर लेंगे बेनिफिशियरी पोस्ट कोड, ठीक है ना दोस्तों, 0 कर लेंगे। बेनिफिशियरी स्टेट सिटी ऐसे कर लेंगे। बेनिफिशियरी स्टेट यानी आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर सिटी, तो आप पहले बेनिफिशियरी स्टेट कर लेंगे और फिर सिटी कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, हो गया। उसके बाद आप क्या होता है, बेनिफिशियरी स्टेट सिटी मस्ट ओनली बी अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक ही तो किए हैं, अगर आपको ऐसे कोई परेशानी आई बेनिफिशियरी स्टेट सिटी मस्ट ओनली बी अल्फाबेटिक, हम लोग तो ऐसे ही किए हैं। चलिए ऐसे करके देख लेते हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर काट करके दिखाते हैं। हाँ दोस्तों आप हो गया, आप आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर अगर भूल हो जाएगा या फिर किसी भी मिस्टेक होगा तो आपको खुद ही बता देगा कि ये आपने गलत किए हैं, आपको फिर सही कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। हम इसीलिए वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है कि आप सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सिटी वायर ब्रांच एक्सिस, यानी कौन सा ब्रांच से आप ये बिलोंग करता है अकाउंट, ठीक है ना दोस्तों। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है, आपको चेक कर लेना है एक बार, बेनिफिशियरी फर्स्ट नेम फिरोज इस्लाम, बेनिफिशियरी फैमिली नेम सन ऑफ हबीबुद्दीन सरकार, बेनिफिशियरी नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद ऐसा आपको पूरा चेक कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपको सही लगे तो नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको फिर कन्फर्म कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आप अगर गलती कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एडिट में जाकर, यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंट्री इंडिया, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच आप बता रहे हैं ओवरसीज ब्रांचेस कलकत्ता 50, ठीक है ना दोस्तों। अब करेंसी बता रहे हैं, इंडियन रुपये हम लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी नेशनलिटी, बेनिफिशियरी फादर्स नेम, स्ट्रीट, बॉक्स नंबर, पोस्ट ऑफिस नंबर यानी स्टेट सिटी, उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर मस्ट चेक कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद इसको कन्फर्म कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का 4 डिजिट का OTP आएगा वेरीफिकेशन करने के लिए, आ गया, हम लोग क्या कर लेंगे, अलाउ कर लेंगे।
या फिर डायल कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप बता रहे हैं कॉल मी नाउ अमन अल राजी एक्टिवेट वाया फ़ोन बैंकिंग, मतलब आप एक्टिवेट वाया फ़ोन बैंकिंग में कर सकते हैं या फिर अमन अल राजी में जाके या अल राजी बैंक में जाके कर सकते हैं, या फिर आसान तरीका जो है कॉल मी नाउ में करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, फोन आ गया, रिसीव कर लेंगे। Beneficiary is activated successfully. Thank you. Goodbye. Welcome. You have a great day. तो दोस्तों ये देखिए, फिरोज इस्लाम सन ऑफ हबीबुद्दीन सरकार हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा गो टू ट्रांसफर में क्लिक करेंगे और देख लेंगे हुआ कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, यल्ला बिस्मिल्लाह। हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए बहुत सॉरी। ये देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक्टिवेटेड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इसी तरह आपको कर लेना है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सदका जारिया में हिस्सा लीजिए। अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगे यानी वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ जानना चाहते हो कमेंट करिए इंशाल्लाह जी। तो चलते हैं दूसरा वीडियो की तरफ, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।